हमारे एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में 29 अगस्त 2023 को एक मोटरसाइकिल चोरी का गुना दाखिल हुआ था। इस गुने के इन्वेस्टिगेशन जांच के दरमियान दो एक्यूज जो है आरोपी है वो हमारी टीम ने, जिसमें एसआई लामतुरे, हवलदार वनगे, चौहान मोरे, पुलिस सिपाही सावंत, इन सब लोगों ने सीसीटीवी और उसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस है और गुप्त बातमीदार है, उन सब का सहारा लेके दो आरोपियों को जो है वो मालेगांव से अरेस्ट किया है और इनके पास से अभी तक 8 मोटरसाइकिल जो है बाइक्स है बरामद की गई है और टोटल 14 ऑफेंसेस में इनका जो सहभाग है वो निश्चित किया गया है। तो इनके तरफ से 14 गुने अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, अभी भी ये पुलिस कस्टडी में है और हमें विश्वास है कि इसमें और वर्कआउट करके इनसे ज़्यादा जो गुने हैं वो डिटेक्ट होंगे। ये दोनों आरोपी हैं जो मालेगांव में बेसिकली मालेगांव से हैं। पहला आरोपी अयाज अली अंसारी 38 साल उम्र, मालेगांव में रहता है लेकिन टेम्पररीली भिवंडी में भाड़े पे घर लेके रहता है और मैं सभी नागरिकों को अलर्ट करना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी चोरियाँ की है उसमें जो विक्टिम्स है उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी भूल गए थे और वो गाड़ी की चाबी ना लेके जाने की वजह से इन आरोपियों ने सिर्फ ये गाड़ियां ढूंढी कि जहाँ पे चाबी है जस्ट चाबी घुमाओ और गाड़ी चालू करके लेके जाओ। तो ये मोडस इनका रहा है। तो सभी नागरिक सावधान रहे कि अपनी चाबी जो है और हैंडल लॉक है दोनों भी करके अपने काम के लिए पार्क करके गाड़ी जाए तो शायद आप इससे बच सकते हैं। ये दोनों जो आरोपी है, अयाज अली अंसारी मालेगांव का है, दोनों आरोपी मालेगांव के हैं और ये अयाज अली अंसारी बीच में ये भिवंडी में टेम्पररीली रहने को आया है। तो ये मुंबई में चोरी करके गाड़ी बाय रोड खुद ड्राइव करके ये मालेगांव को लेके जाते थे। हमें आगे की लीड मिली है जिसमें जो है वर्कआउट चालू है। कई गाड़ियां ये इंडिविजुअल भी बेची गई है, कई गाड़ियां गैराज में बेची गई है, उसके बारे में जो है आगे की जांच इसमें चल रही है। अब तक दिखाई दे रहा है इसमें आगे की जांच जो है वो चल रही है लेकिन अभी तक ऐसा कोई दूसरा एंगल हमारे सामने नहीं आया है। बट इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो डीपली हम करेंगे और कोई भी किसी तरीके का लिंक कुछ होता है तो वो जरूर इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। ऊपर के जो प्रीवियस गुने हैं वो सब चोरी के गुने हैं और मोटरसाइकिल चोरी में ही ये लोग माहिर हैं। नहीं, कुछ भी काम करते नहीं है बेसिकली। इसमें से जो अयाज अली है वो अभी 6 महीने जेल में था, चोरी के गुने में इसको 6 महीने की सजा हुई थी और मई महीने में ये जेल से छूट के आने के बाद पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने ये 14 चोरियां जो है की।